आज का जो गाना का बजाने का जो पेनी बजाने का जो मकसद है, थोड़ा साउंड आप लोगों को अलग साउंड सुनाया इच्छा किया, इसीलिए तो ये शाम मस्तानी मादहोश किए जाए ये जो गाना है। स्केल मैंने एफ रखा, पेनी फ्लूट है ये, अमेरिकन ओडी, तो ये मैंने 4-5 साल पहले खरीदा था, रिकॉर्डिंग में ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो गाना मैंने आपको बैमो में दिखाता हूँ। मेजर का गाना है इसलिए गांधार शुद्ध है। लिरिक्स क्या है, ऑल नोट इज शुद्ध, एक बार परिमाण लगता है, ठीक है। देखिए ऑक्टेव ना ज़्यादातर ऊपर का नहीं है, ये मंद्र सप्तक या मिडिल ऑक्टेव एंड लोअर ऑक्टेव, एकदम जो लो ऑक्टेव जो है हमारा उससे ये गाना स्टार्ट होता है। पार्ट टू ऊपर का 7 तक भी नहीं जाता है, ये ऑक्टेव में गाना आपको देर ऑक्टेव में गाना खत्म। देखिए पा लोअर पा पा सा रे सा धा पा पा सा रे सा धा पा ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जाए पा पा सा रे 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 गा पा पा सा रे रे गा दूर क्या लिरिक्स, मुझे दूर कोई खींचे गा पा धा पा म पा मा गा पा धा पा म पा मा पे स्टैंड है। पापा गरे सा मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए लिए जाए, पापा गरे सा पापा गरे सा, थोड़ा गवाक्सा स्टाइल से दीजिए आ जाएगा।
खासा था, ये जो ऑर्नामेंट्स है ना, ये गायकी लिए, गायकी के लिए एंड स्टाइल के लिए आपको करना पड़ेगा। ये फिंगर मैंने थोड़ा सा कपाया देखा, ये मैंने इसीलिए नहीं किया, दोनों फिंगर को आपको उठाना पड़ेगा, वो जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग में भी तो आपको रहना चाहिए, ये दोनों, इसलिए वो हेडी की मैंने नहीं रखा, इसके जगह ये पड़ेगा, ये उसके साथ ये भी कम करेगा, तो ये तो रेस्ट ही था, तो कम करो। गायकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, वो तो लगेगा ही लगेगा। ये हो गए खत्म, अंतरा जो है देखिए, सा सरे ग मा पा दा पा, ये नोट, दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, लिरिक्स नोट क्या है, धा मा पा धा पा, मेरे पास सा सा धा मा पा धा पा, सेम ही है, ऐड हुआ क्या, मेरे सा सा मेरे पास सा सा धा मा पा धा पा, नोट सोचिए कहाँ कहाँ नोट रखा हुआ है आपके लिए, तो नोट का ना पहचान कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट पहचानना, ये आपको दिमाग में ना एक सर्किल में वो बैठ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पे नोट है, सा धा सा मा कोई मा सा सा पा मा सा धा सा नी सा सा सा, लोअर का भी चाहिए, सा नी धा पा सा पा सा धा सा नी सा नी को नी, ये होना चाहिए, ऑलवेज प्रैक्टिस में रही, ऐसे नहीं ऑल टाइम फ्लूट फ्लूट फ्लूट, ऐसे नहीं, दिमाग का प्रैक्टिस, दिमाग का रहना चाहिए ऑलवेज, घूमना फिरना बाथरूम वॉशरूम जहाँ पे जाइए ना, ये कुछ भी ना आपका ब्रेन में ना बिजी रखिए, ये बहुत हेल्प करता है, एक्चुअली रियाज हो गई है, तो दा दा दा, सा सा दा, मा पा दा पा, यार लिरिक्स रिपीट है इसमें, बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, ते फिर तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होंठ सिए जाए, दा 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 दा, ये हो जाएगा,
ये लाइव जब आप परफॉर्म करेंगे ना, ये ना थोड़ा मिडिल ऑक्टेव लीजिए, ये स्केल मैंने एप रखा, थोड़ा बेस में बजाऊंगा, पीनी बजाऊंगा, थोड़ा मिडिल ऑक्टेव एफ का जो है वो थोड़ा आपको बजा के दिखाऊंगा, इसीलिए तो आप लोग जब बजेंगे डी डी शार्प करेंगे खूब बहुत ही अच्छा लगेगा। ये डी डी शार्प में सी कर सकते हो, एफ भी कर सकते हो उधर का। ओ और एक बात है, ये तो मैंने सा को सा बना के किया अपना, इसको पंचम को सा बना में भी की आपका अच्छा लगेगा, जिसके जिनके पास बी फ्लैट फ्लूट है, पंचम एफ एफ शार्प प्लस सिक्स होगा, ठीक है, एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प, ए शार्प मतलब बी फ्लैट। सा शुद्ध नी दा पा मा गा रे सा, कोड़ी पा कौन सा होगा, सा रे गा मा 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 मा, ये कोमल रे का जो पोर्शन है ना उसका वो हो गया कोड़ी पा। कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल एवरी कोमल जो सॉफ्ट स्वरा है ना, ब्लोइंग कंट्रोल चाहिए एंड फिंगर कंट्रोल, फिंगर को ना थोड़ा मोल्ड मोल्ड की प्रैक्टिस चाहिए। अब लोग समझते हो 50% हाफ होगा, कभी नहीं कॉमन नोट बजेगा 50% छोड़ने से, समथिंग समथिंग छोड़ना चाहिए, समथिंग हो सकता है 10% या 12% 15% हो सकता है, जस्ट लीकेज चाहिए, उसमें ही ना कॉमन नोट आ जाएगा एवरी कॉमन नोट। जो भी है तो ये गाना मेजर का गाना है, ये जो अंतरा है ये आपको लोअर से मिडिल से बजने से नहीं आएगा, वो आपको ऊपर तार सप्तक में बजना चाहिए। देखा नोट सेम है बट फिंगर पोर्शन अलग हो गया। इसमें ना गायकी अच्छा नहीं लगता है, इसका एक स्टाइल है, इसका जो स्टाइल ये स्टेट नोट एंड एक विब्रेटो एंड थोड़ा पिचिंग 100% पिचिंग से ही अच्छा नहीं लगता है, ये थोड़ा पिच अप डाउन होता है ये फ्रीक्वेंसी, तभी अच्छा लगता है। Thank you.
देखा साउंड का, देखा आपका ये साउंड। प्रैक्टिस कीजिए गाना। तो इफ का मिडिल फ्लूट कैसे बजेगा? स्मॉल फ्लूट स्टाइल भी स्मॉल जैसा ही होना चाहिए। टोनल जो स्टाइल है, थोड़ा तो उपकारी स्टाइल, जो टैंगिंग का स्टाइल, वो भी आने से अच्छा लगेगा। ठीक है, बजाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो ठीक है, चलता हूँ, सब्सक्राइब मी एंड ऑल्सो एंड सपोर्ट मी गाइस। पहले की तरह बहुत अच्छा लगता है आपको जब मैं थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है। चलिए आप लोग भी मेरे साथ रहिए, अच्छा ही होगा, आइए एक साथ बजाता हूँ। ठीक है, चलता हूँ, सब्सक्राइब मी ऑल्सो।